हेलो दोस्तों, राम राम। आपका स्वागत है। गुड नाइट, शुभ रात्रि। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था आईटी और बीएससी मैथमेटिक्स के लिए, मैं वहाँ से अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ चुका हूँ और आपके सामने दिख रहा है ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ है क्या। आपको अगर यहाँ पर अगर एक फिगर दिख रहा होगा, और ये आपको मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूँ आपको मैं दिखाने के लिए, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए कि ग्रीक अल्फ़ाबेट होता क्या है। देखो, ग्रीक अल्फ़ाबेट का मतलब होता है, अगर आपके सामने कई सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, रिसर्च करके जो साइनअप दिया, उस साइनअप के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है बताओ? ग्रीक अल्फ़ाबेट कहलाता है। अगर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँगा कि ये सब चीज़ होता क्या है, इसका यूज कहाँ है, तो आप निसंदेह तरीके से बता सकते हो कि इसका यूज जो है वो डिफरेंट वे में होता है। ठीक है, डिफरेंट वे में होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सिग्मा क्या है, अगर आपसे कोई भी स्टूडेंट अगर पूछे तो बताओ सिग्मा क्या है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि सिग्मा एक प्रकार का साइन है जिसको मैं, आप यहाँ पर फिगर में दिख ही रहा होगा जिस तरीके से मैं उसको बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही क्या करना है बताओ, कंप्लीट करना है। अगर कहीं पर अगर ये सब फिगर अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाओ को सब चीज़ क्या है बताओ, सिग्मा है। क्या है बताओ? सिग्मा। अगली बात क्या दिया? जीटा। बच्चों, अगर आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको जीटा फंक्शन पढ़ने की आवश्यकता है, और आप जीटा फंक्शन में क्या कर सकते हो, वर्क भी कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे तरीके क्या कर सकते हो, वर्क कंप्लीटेड कर सकते हो, समझ सकते हो कि आपका जीटा फंक्शन क्या होता है। एप्सिलॉन का यूज क्या है? एप्सिलॉन भी एक प्रकार का एक ऐसा साइन होता है जहाँ कहीं पर अगर कंस्टेंट अगर लगाना हो तो वहाँ पर इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने हमसे भी पूछा, सर आप बताइए जीटा फंक्शन पढ़ने के बाद मेरी मैथ अच्छा हो जाएगा कि नहीं। तो मैं उनसे यही सजेशन दूंगा, जीटा फंक्शन पढ़ने के बाद पहले तू अपनी शक्ल देख ले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शक्ल देखने से पहले आपको सारी बात समझनी होगी। जीटा फंक्शन एक प्रकार के ऐसा फंक्शन होता है जिनके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस का समावेश होता है, जिसमें सिमेट्री, ट्रांजिविटी और अनेक प्रकार की चीज़ों का क्या होता है, समावेश होता है। यह विशेष व्यक्तियों के लिए पठनीय नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अध्ययन करने का मतलब होगा स्वयं वैज्ञानिकों के प्रति अपना भाव प्रकट करना। अभी आपको पता होगा कि जो आपका एप्सिलॉन होता है वो आपका ई जैसा होता है, जैसे ई आपका बनता है, थ्री बनता है, वैसे ही आपका क्या होता है बताओ, एप्सिलॉन होता है। और इसके बीच में जो मेरी वीडियो नहीं जा रही थी उसका रीज़न बस सिंपल सा एक ही मेथड था कि थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने के कारण, और प्लस ऊपर से थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ होने के कारण मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया था मुश्किल से 2 दिन के लिए। लेकिन अब क्या है, आपकी वीडियो डेली आएगी, क्योंकि मैं प्राण वचन ले चुका हूँ कि आपको डेली मैं वीडियो दूंगा, चाहे वो 5 ही मिनट का वीडियो हो, लेकिन ज्ञानवर्धक के लिए रहेगा। आप उसे ज़रूर देखें और ज़रूर आप लोग अंत तक देखें, क्योंकि मज़ा मिलने वाला है इसी वीडियो में, आप नया चीज़ ज़रूर सीखोगे। भाई, अगर आपको सामने अगर दे दिया जाए टाऊ, आपसे कोई बंदा अगर पूछ लिया कि टाऊ क्या होता है, मैं ही आपसे पूछ लिया टाऊ क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि टाऊ भी एक प्रकार का साइन होता है जिसका यूजेज आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका क्या है बताओ, टाऊ है। ठीक है, और पाई भी को आप देख रहे हो किस तरीके से, ओमेगा को भी देख रहे हो किस तरीके से, डेल्टा को भी देख रहे हो किस तरीके से, साई को भी देख रहे हो किस तरीके से है। सारी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मीन क्या है, इसका मेन यूज क्या है, आप इसका यूज किस तरीके से कर सकते हो, कहाँ पर कर सकते हो, क्यों होना चाहिए, सारी बातें यहाँ क्या है बताओ, पढ़नी है। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने हमसे ये भी पूछा कि सर आप ये बताइए कि मैं क्या कैसा पढ़ूँ कि मैं तेज तर्राक रहूँ। तो मैं उनके लिए एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर तुम ऐसा क्वेश्चन अगर तुम हमसे पूछते हो तो मैं तुमसे एक ही बात बोलूँगा, शराब पी लो जाके सो जाओ, शराब पी लो जाके सो जाओ। तैयारी तो आपको करनी है नहीं, आप लगातार हमसे क्वेश्चन पूछते हो शराब पी लो किस तरीके से, सारी बात आपको समझना है। आप यहाँ पढ़ने आए हो कि नौटंकी करने आए हो? अगर मैं 12 बजे रात करें मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने रूम में, शूट कर रहा हूँ जहाँ मेरी रूम है, तो आपको समझना होगा कि इस वीडियो का मेन उद्देश्य क्या है, कि सर बना क्यों रहे हैं। कुछ लोग आधे वीडियो को देख करके स्किप कर देते हैं, सर बिना मतलब का बातें बता रहे हैं, तो उनके लिए बिना मतलब है, लेकिन जो मतलबी बच्चे हैं उनके लिए मतलब का है। सारी बात आपको समझना चाहिए
नशेड़ियों, क्योंकि तुमको पता नहीं सारी बात तुमको किस तरीके से कंप्लीट करनी है। चलो आगे बढ़ता हूँ ऐसे ही लगातार क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो आपका सिमटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है, जो आसान नहीं है। और जितने भी बच्चे अपने आप को हीरो बनते हैं कि सर मैं हीरो हूँ और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही कंप्लीट करूँगा और मैं इस क्वेश्चन को लगा ले जाऊँगा, तो उनके लिए पूरी चैलेंज है। क्योंकि सिमटेनियस जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आसान नहीं है। सारी बातें आपको समझ में जानी चाहिए। अगर आप JRF की तैयारी करते हो, GC नेट की तैयारी करते हो, PGT की तैयारी करते हो, तो आपको सिमटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने की आपकी सख्त ज़रूरत भी है। चलिए मैं आगे कुछ चैप्टर बारे में इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, कर्व्स एंड सरफेस इन स्पेस है, फॉर्मेशन ऑफ सिमटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r पर भी मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में है, वन वेरिएबल को अब्सेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में भी आप सीखेंगे, आप एप्लीकेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्शंस ऑफ सिस्टम में कर्व्स एंड गिवन सरफेस पार्टिशियल मोशन इन फेज स्पेस को भी कंप्लीट करना है। और सारी बात क्या करोगे आप, सीखोगे किसे किस तरीके से कहाँ पे कैसे कैसे कंप्लीट किया, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अगला है समरी है, समरी भी कर लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूँ, आपको देखना भी है सारी बातें। यहाँ पर आप जाओगे तो इंट्रोडक्शन मिलेगा, सारी बातें आपको समझा करके यहाँ तक क्या किया था बताओ, पूछा था। मेरे फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा तब आपको समझ में आएगा किसका मीन क्या है। तो भैया आप अगर एक अच्छे खासे प्रोफेसर हो तो आपको कर्व्स इन स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। स्पेस का मतलब ये नहीं होता कि अंतरिक्ष, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष नहीं होता, स्पेस का मतलब होता है कि इसके बारे में नॉलेज लेना, क्या नॉलेज होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ क्या होना चाहिए बताओ, कम्प्लीटली तरीके से सबको समझ में आ जाना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। काफ़ी सारे बच्चों ने हमसे ये पूछा, द सिंपलेस्ट कर्व इन स्पेस इज स्ट्रेट लाइन। जब कोई आपके सामने कोई स्ट्रेट लाइन होता है, द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एक्स नॉट जीरो, वाई नॉट जीरो, जेड नॉट जीरो एंड मेकिंग एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा, आप फिगर में भी देख सकते हो कि आपके सामने यह आपका जो है एक्स वाई जेड यहाँ पर लिया गया है। सारी बातें यहाँ पर देखिए, एक्स वाई जेड है और यह क्या है बताओ, स्ट्रेट लाइन है। एक आपको एक जगह पर पूरा पूरा अल्फा ले लिया गया है, एक जगह पर बीटा लिया गया है, एक जगह पर गामा लिया गया है। तो आपको सारी बात समझ में आनी चाहिए, ये जो आपकी वैल्यू है ये पी नॉट जीरो एक्स वाई जेड के फॉर्म में है और आप इसे क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट, क्योंकि रात्रि भी ज़्यादा हो रहा है, हमको समझाना भी है सारी बातें। तो आप यहाँ देखिएगा, आपसे ये पूछा है क्या बताओ, एक्स माइनस एक्स नॉट जीरो अपान कॉस अल्फा, वाई माइनस वाई नॉट जीरो अपान कॉस बीटा, जेड माइनस जेड नॉट जीरो इक्वल टू अपान कॉस गामा इक्वल टू कितना बताओ, यस इक्वल टू यस पी नॉट जीरो पी है, वेयर यस इक्वल टू पी नॉट जीरो पी और पी नॉट जीरो पी पर ऑफ फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ पी नॉट जीरो मेजर्ड है, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर आपका क्या है बताओ, देयर फोर है। तो x इक्वल टू क्या बताओ, x नॉट जीरो प्लस कॉस अल्फा है, बताओ कॉस क्या है बताओ, अल्फा है, और y इक्वल टू वाई प्लस एस कॉस बीटा है। इसका सोल्यूशन तो आपको पता ही हो गया होगा। अगर आप लोग अगर नहीं देखना चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको सेपरेट करके भी लगा सकते हो। इसका देखिए मेरा रूल है थ्योरी को समझाना, वो आपको क्या होना चाहिए, थ्योरी को समझ में आना चाहिए। सारी बात आप नोट्स को बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको सारी बात समझ में आती रहे। आगे देखिए, dx अपान ds हो जाएगा इक्वल टू कितना है बताओ, cos अल्फा, और dy अपान dx हो जाएगा ये कितना है बताओ, cos बीटा, और आपका dz अपान क्या हो जाएगा, ds, ये आपका cos गामा की ओर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, मेरा जो वीडियो है थोड़ा सा शॉर्ट रहे तो अच्छा है, ज़्यादा लॉन्ग होता है तो बच्चे वैसे भी डिसलाइक करते हैं कि सर पता नहीं क्या पढ़ा दिए हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए आप लोग, आपको सारी बातें समझ में आती रहेगी। मैं जहाँ तक कि
पूरा कोशिश करूँगा इसे कैसे कंप्लीट करना है, कैसे नहीं कंप्लीट करना है, और फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक बीएससी वाले पूरा नोट कर लीजिए, और बीएससी का पार्ट वन का वीडियो चला गया, आप जाकर वहाँ देख सकते हो। पार्ट टू वीडियो भी मैं आपको जल्द ही डाल दूँगा, इसका ये जो वीडियो है, और डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलेगा, आप जाकर वहाँ से भी इसे क्या कर सकते हो बताओ, समझ सकते हो, लगा सकते हो, और क्वेश्चन को समझाने में आसानी होगा। तब तक के लिए दोस्तों, सभी स्टूडेंटों को लव कुश सर का नमस्तुभ्यम, नमस्कार, शुभ रात्रि।